नमस्कार, मैं बीनू राय एक बार फिर स्वागत करती हूँ अपने चैनल बीनू राय फैमिली में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक्चुअली जब से मैंने वो एल शेप सोफ़ा वाला वीडियो बनाया था जो ट्रंक से बनाया था, तब से बहुत लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी मेरे पास, कोई कह रहा था मेरे पास एक ट्रंक है, कोई कह रहा था मेरे पास दो हैं। तो आज मैं आपको उसी के ऊपर वीडियो बना के बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास एक ट्रंक है, एक दो ट्रंक है, या आप छोटा है बड़ा है कैसे भी है, उसको आप कैसे नए लुक में जो है रीयूज कर सकते हो और एकदम बढ़िया यूनिक सा लुक दे सकते हो। तो उसमें सबसे पहले मैं दिखाने जा रही हूँ जो कि मैंने एक वुडन लुक दे दिया है अपने बेडरूम के लिए ट्रंक से। उसके बाद चार पांच लुक मैं आपको दिखाऊंगी और यकीन मानिए सारे एक से एक हैं और आपके सारे जो भी कमेंट्स कर रहे थे आप लोग, वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। और बस चलिए देख लेते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा, कोई कमी हो तो भी बताइएगा। और देख लेते हैं वीडियो और कैसा है वो बताइएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहले लुक के लिए मैंने जो है ये ट्रंक बॉक्स बक्सा जो भी आप कहते हैं वो लिया है, और इसको स्पेशली मैंने वॉलपेपर लिया है वुडन प्रिंट में, देख सकते हैं। और इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे इसको देना है, जो लकड़ी के संदूक बहुत पहले आते थे आप लोगों के घर में, जिनके घर में दादी या नानी बहुत पहले रहे होंगे, देखे होंगे वो लोग लकड़ी के संदूक अपने घर में, स्पेशली बेडरूम में मैंने देखा है, मेरी नानी के रहता था लकड़ी का संदूक, बहुत एंटीक यूनिक लगता था। मैं फोटो डाल दूंगी कहीं साइड में, मुझे वो वाला लुक देना है तो मैंने इसे ये वुडन वॉलपेपर मंगाया है। और ये भी मैंने अपने जो मेरा बेड है उसका मैचिंग मंगाया है क्योंकि मुझे इसको अपने बेडरूम में बेड के साथ रखना है वुडन संदूक की तरह, और टेबल की तरह भी यूज करना है। तो इसलिए मैं बता रही कि जब भी आप चिपकाना शुरू करें तो ये जो अगर आपके बॉक्स में ये ऊपर उठा उला हिस्सा है तो सबसे पहले इसको चिपका लें। इसके लिए आप क्या करें, पहले पतला स्ट्रिप काट लें और ये चिपका लें। तो पहले मैंने इसको चिपका लिया है, अब मैं क्या करूंगी इस साइड वाला आपको शेयर करती हूँ, यहाँ पे आपको और आइडिया मिल जाएगा। और दूसरी बात की जो कई लोग कह रहे थे कि ट्रंक आवाज करेगा, तो अगर ट्रंक भरा रहेगा, अगर ये बॉक्स आपका सामान से भरा है तो कभी आवाज नहीं करेगा, चाहे कितने भी लोग बैठ जाएं, कितना भी आगे पीछे आप कर लें, खाली रहेगा तो डेफिनेटली आवाज करेगा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, ये हम यहाँ पे इसको मेजरमेंट करके मैंने थोड़ा सा अंदाजे से काट लिया है, ये यहाँ पे ऐसे चिपकाएंगे। तो इस पहले थोड़ा हम खोल लेते हैं, वॉल पेपर में हमेशा ध्यान दें कि एयर न जाए, इसलिए धीरे धीरे आप जो है जहां भी चिपकाना है पहले बहुत आराम से इसको खोलें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, अभी इसको हम बराबर कर देंगे। ये वाली लेंथ जो है इसकी जो चौड़ाई है वो नाप ली है, और नाप के ये काट लिया है, तो काट के बस इसको चिपकाना है। और ऐसे ही मैंने सारे ऊपर नीचे के सब टुकड़े काट लिए हैं, जो थोड़ा सा ट्रिकी था वो मैंने आपको बता दिया है ये वाला। तो अभी मैं सारा चिपका के फिर मिलती हूँ, देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एकदम बढ़िया से इसको जो है चिपका लिया, और एकदम संदूक वाला लुक आ रहा है। खाली जो ये कब्जा और सिटकनी जिसे भी जो भी आप कहते हैं वो बचा है, इस पे पेंट करूंगी मैं, क्योंकि आपको भी पता है इस पे बढ़िया से वॉलपेपर अगर चिपकाते तो फिनिशिंग बढ़िया नहीं आएगी। और इस पे यहाँ पेंट चिपकाऊंगी, सॉरी पेंट करूंगी मैं, 3 घंटे से चिपका रही हूँ इसलिए चिपकाना ही दिमाग पे चढ़ गया है। उसके बाद ये जो है और जो ये है, ये चारों इस पे मैं करूंगी पेंट, और इस पे पेंट करूंगी, और फिर एकदम लकड़ी वाला लुक लेके फिर मैं मिलती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने गोल्डन कलर से पेंट कर दिया है। ये 20 रुपए में जो एक्रेलिक कलर आता है वो है, और बहुत प्यारा लुक आया है। अगर आपका ब्रश से नहीं हो रहा है वो इस पर पेंट, तो आप स्पॉन्ज ले लीजिए जैसे बर्तन मांजते हैं, उससे अगर डैब 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 करके कर देंगे तो अच्छे से पेंट हो जाएगा। और इतना बढ़िया संदूक एकदम लकड़ी का तैयार हो गया है, मुझे मेरे नानी के टाइम की याद आ गई है, उस टाइम पे ऐसे लकड़ी के एंटिक संदूक उनके बेडरूम में रखा होता था। और साइड का भी मैंने कर दिया है पेंट, दिखा दूं मैं आपको,
आप साइड से भी देख सकते हैं, मैंने जो उठाने वाला होता है उसको भी गोल्डन कलर का पेंट कर दिया है, और मतलब इतना बढ़िया लुक आ रहा है पूरा। अभी सामने से पूरा ऊपर से हम आपको दिखा देते हैं एक बार, लेकिन इसको मैंने अपने बेडरूम के लिए बनाया है, तो ये बेडरूम में कवर में आपको दिखेगा कि मैं इसको कहाँ यूज़ करने वाली हूँ। जल्दी ही वीडियो आएगी, और बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब जितना सोचा नहीं था उतना बढ़िया ये संदूक दिख रहा है। तो मैं इसको आपको अपने बेडरूम में कवर में दिखाऊंगी और कि कैसे मैं इसको यूज करने वाली हूँ। अभी मैं चलिए दूसरा जो दिखाती हूँ अगला, कि हम कैसे बक्से को अपने यूज कर सकते हैं। के बाद आप चाहें तो अगर आपके पास दो ट्रंक है या फिर तीन ट्रंक है सेम साइज के, तो आप एकदम बढ़िया दीवान बेड बना सकते हैं। और अभी मैं बता रही हूँ, थोड़ा बहुत अगर ऊंचाई अप डाउन है, तो जैसे मैंने मेरा ये वाला जो बॉक्स है ये थोड़ा सा नीचे है, तो इस पे मैंने देखिए आप थोड़े से दो तीन दरियां बिछा दी हैं, तो कुछ भी आप इस पे बिछा सकते हैं जो कि बैलेंस में लाए तीनों को। और नहीं तो फिर थोड़ी मोटी सी जो है मोटा गद्दा, छोटा बिछौने, जो भी आपके पास हो, चार पांच बेडशीट मिला के बिछा के इसको हम बराबर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये तीनों मेरा बराबर हो गया है। अब इस पे मैं बिछाऊंगी गद्दा, और बाई चांस बाई लक मेरे पास एक ऐसा गद्दा है जो एकदम इसके बराबर है। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि रुई के गद्दे एक तो हेल्थ के लिए भी ठीक होते हैं, ऊपर से ये कहीं भी फोल्ड करके रख दो हमेशा काम आते हैं। तो इसके पहले यहाँ पे जो है मैंने चारपाई से दीवान बेड बनाया था, आपने पहले वीडियो में देखा था, लेकिन अब क्योंकि चारपाई मैंने शिफ्ट कर दी है अपने लिविंग रूम में, तो ठंडी का मौसम आ गया है, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए कोई एक ऐसी जगह चाहिए शांत सी, तो मुझे लगा ये बेस्ट है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो अब देखिए मैंने इस पे डाल दिया है गद्दा, इसके बाद मैं इस पे बिछाऊंगी बेडशीट अच्छे से, अब बिछा के फिर मैं मिलती हूँ आपसे। अभी आप देख सकते हैं मैंने जो है बक्से में कितना बढ़िया बेडशीट बिछा दी है, और क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम है इसलिए मैंने वेलवेट बेडशीट बिछाई है, अगर गर्मी का होता तो कॉटन बिछाती, और वेलवेट में थोड़ी शाइनिंग है तो फेस्टिव लुक भी आ रहा है। और नीचे मैंने ये मेरा भीम वाला बच्चे वाला जो था अब वो कारपेट एक्स्ट्रा था, तो मैंने यहाँ लगा दिया, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। कॉर्नर में मैंने एक जो है डिफ्यूजर लगा रखा है, और बस शोकेस में थोड़े बहुत ग्रीनरी है, और इतना अच्छा लुक लग रहा है। और इसको आप चाहें तो एज अ बेड भी यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में, सर्दी में। और मैं और एक बात कहना चाहूंगी कि जब आप कुशन कवर खरीदते हैं तो ट्राई करें कि मैक्सिमम एक ही जैसा 15-20 खरीद लें, उससे क्या होगा कि आप जो है कहीं भी अपने लिविंग रूम, अपना बेडरूम, सबको अगर एक दिन फेस्टिव लुक देना चाहते हैं तो कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ आपके कुशन से ही, कुशन कवर से ही आपका पूरे घर की मैचिंग हो जाएगी। तो ये ट्राई करें, ये मैं छोटा सा टिप्स देना चाहती हूँ। तो ये हो गया नेक्स्ट लुक की, देखिए आप अगर आपके पास ट्रंक है तो आप उससे दीवान भी बना सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि सब लोग बार बार पूछ रहे थे कि आवाज़ आएगी आवाज़ आएगी, तो जब तक आपका ट्रंक एकदम फुल भरा रहेगा कभी आवाज़ नहीं आएगी। जैसे मेरे मेरे तीन ट्रंक हैं, बीच वाले में मेरी दो रजाइयाँ हैं, इस साइड में मेरे गर्मियों के मैंने कपड़े रख दिए हैं, जब गर्मियों के निकालती हूँ फिर ठंडियों के रख देती हूँ, इधर वो सारी चीज़ें वेस्ट पड़ी हैं जो मैं कभी यूज़ नहीं करती, तो मेरा पूरा भरा है तो कभी इसमें से आवाज़ नहीं आती। तो आप ऐसे भी अपने जो है बेड को, बॉक्स को बेड बना के यूज कर सकते हैं और परफेक्ट लुक ला सकते हैं। फिर चलिए अगला लुक दिखाती हूँ। नेक्स्ट लुक के लिए आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला मेरा बॉक्स है ट्रंक, ये बहुत पुराना है, जैसा कि आपको इसकी हालत देख के दिख रही होगी, पूरा जंग में लग गया है और थोड़ा बहुत डैमेज भी हो गया है, तो इसको ना मैं ऐसे रख सकती हूँ। और जैसा कि हम लोग जुगाड़ू हैं घर में, कुछ भी ऐसे फेंक तो नहीं सकते, और स्पेशली अगर हम रेंटेड हाउस में हैं तो घर जगह की इतनी कमी होती है कि हम, मैं बता नहीं सकती आपको, मुझे तो बहुत लगती है कमी। तो अभी मैं इसको आपको एक एडजस्ट आइडिया देने के लिए भी बता रही हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक अच्छा सा सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन अपने लिविंग रूम डेकोर में आपने देखा होगा ये कॉर्नर मेरा खाली था, जो मैंने यहाँ पे वो टीवी यूनिट बनाई है वो रखा है, उसके बगल में ये यहाँ पे मैंने रखा था सिर्फ और सिर्फ जो है एक प्लांटर और लाइटिंग की थी, तो ये जगह मुझे खाली लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पे रख दूंगी तो इसके अंदर सामान भर के। और अगर चाहें तो हम इसको सीटिंग अरेंजमेंट के लिए भी कर सकते हैं और एज ए टेबल भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम इसको बनाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट, फिर हम टेबल बनाएंगे। तो अभी मैं इस पर ब्लैंकेट एक बिछा देती हूँ, क्योंकि है अभी सर्दी का मौसम, और थोड़ा सा इसको
आपके पास स्पंजी लुक भी मिल जाएगा। उसके बाद मैं इस पर बिछाऊंगी दरी, और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप बॉक्स पूरा भरे रहेंगे तो जो है बॉक्स से आवाज़ नहीं आएगी। आप बार बार यही सवाल पूछते हो तो आप वो टेंशन मत लो। फिर उसके बाद में अगर आपके पास गद्दा है एक्स्ट्रा तो बिछा सकते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पे मेरे पास जो गद्दा है ऊपर है तो उतारना दिवाली तक तो थोड़ा मुश्किल है, दिवाली के बाद ही मैं उतारूंगी। तो ये मैं बिछा दिया है, अब मैं इस पर फिर से बिछाती हूँ। फिर अगर आपके पास सिर्फ एक बक्सा या ट्रंक है तो आप उसको ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट बना सकते हो, और यकीन मानिए बहुत अच्छा लग रहा है। डेली यूज में आप कॉटन की बेडशीट यूज कर सकते हो, बट अगर कभी फेस्टिव लुक आपको चाहिए तो आप कुछ भी ब्राइट सा डाल सकते हो। जैसे मैंने सोचा था मैं ब्राइट सा फर लेके आऊंगी, बट मेरे पास व्हाइट फर है, सारे कलेक्शन हो गए हैं व्हाइट फर के, तो फेस्टिवल पे मैं व्हाइट डालूंगी। आपको एक बार दिखा देती हूँ, बट मैं मैक्सिमम उसको टेबल पे यूज करती हूँ ग्लास डाल के। अभी आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ बॉक्स नॉर्मल ऐसे ही लगा है, इतना प्यारा लग रहा है मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। और अभी ये मैं आपको पेपर चिपका लिया है तब का दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आपने पेपर नहीं चिपकाया, आपके पास सिर्फ प्लेन बॉक्स है तो आप उसको क्या कर सकते हैं वो मैं दिखा रही हूँ। और दो तीन लुक में बताऊंगी आपको, पीछे ग्लास दिख रहा होगा, मैं आपको एक मिनट पास ला के दिखाती हूँ। ये मैंने जो है ये मैं मार्केट से लेके आई हूँ, ये 200 से 250 में आपको मिल जाएगा, जो है जैसा भी सस्ता महंगा ड्यूरेबल आप लेंगे। तो ये भी आप यूज, इसको भी मैं यूज करके आपको बताऊंगी इस पे टेबल कैसे बना सकते हैं। पहले फिलहाल हम दिवाली के लिए एक लुक देख लेते हैं कि दिवाली पे हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये फर है, ये लेकिन सिर्फ दिवाली के लिए है क्योंकि ये इतना व्हाइट है और नीचे का कार्पेट भी आपका व्हाइट है, तो सिर्फ ये डेकोरेशन के पर्पज से आप इसको यूज करिएगा, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएगा। क्या है कभी कभार फेस्टिवल पे हम अलग चीजें करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने इसको सिर्फ ढक दिया है फर से, क्योंकि नीचे का कारपेट भी हमारा एकदम फर टाइप है, बहुत अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ पे टी होल्डर लिया है, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और ये मेरा जुगाड़ो जो है ट्रे है, ये नेकलेस का जो है डिब्बा था उसको मैंने ट्रे एज ए ट्रे यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, लगता नहीं है कि जो है हमने ऐसे यूज़ किया है। गोल्डन कलर आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये देखिए आप खुद भी देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम रख देंगे बुद्धा जी, बस अब इसको हम जलाते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ये सिर्फ दिवाली के लिए है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, गणेश जी और लक्ष्मी जी और वो बुद्धा जी बगल में है। इसमें मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा कलर ऐड नहीं किया है, आप ऐसा एक बना सकते हैं बढ़िया सा। अगर आपके पास फर नहीं है तो वाइट दुपट्टा आपके पास है, या फिर जो भी है नेट का कपड़ा है उससे, कोई हैवी दुपट्टा है उससे आप बना सकते हैं, आप अपना बॉक्स को एकदम नया बढ़िया लुक दे सकते हैं। अब चलते हैं ग्लास हम लगा के देखते हैं कि इस पर कैसे हम ग्लास लगा सकते हैं और परमानेंट टेबल बना सकते हैं। फर न हो, या फिर आप ऐसे लुक दिखाना चाहते हैं कि नीचे से आपका ऊंट का लुक दिखे और ऊपर कुछ अच्छा सा दिखे, तो आप ऐसे कारपेट रग मिलते हैं, टेबल रनर की तरह भी मिलते हैं, आप वो मंगा के और ऐसे बिछा सकते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। इससे क्या होगा कि आपका जो बॉक्स है वो भी सेफ रहेगा, और जब चाहे आप इसको वॉश करके फिर डाल दे सकते हैं। अभी मैंने इसको वॉश किया था तो मुझे याद आ गया, मैंने जो है दिखा दिया। अब चलिए हम ग्लास लगा के टेबल बनाते हैं। ग्लास वाला टेबल जो परमानेंट अगर हमें यूज करना है तो हम बनाएंगे, तो जैसा कि आपको पता है ये वाला मैंने ये ऐसी बेडशीट खुद बनाई है, तो मेरे पास ऐसे बहुत से कपड़े अभी बच्चे पड़े हैं, तो मुझे लग रहा है इस पे ये कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा ग्लास के ऊपर। तो इसको मैं, लंबाई तो इसकी बहुत ज़्यादा है, चौड़ाई में ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लूँगी। और ये मैंने सिरसा में वेलवेट के कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो वहाँ से मैंने ढेर सारे कपड़े लेके कवर बहुत सारे बना लिए थे, ये बहुत अच्छे दिखते हैं। जब हम अपने पुराने से भी बेडशीट में डाल के इसको ओढ़ते हैं या फिर बिछाते हैं तो इनका लुक बहुत अच्छा आता है। तो इसको मैं फोल्ड करके फिर इस पर बिछाऊंगी। अभी मैंने इस पर ये वाला कपड़ा बिछा दिया है, इसके ऊपर मैं ये ग्लास रखूंगी। तो इससे क्या होगा, एक तो इसका लुक थोड़ा सा, इसको क्लीन करना है, लग रहा है बैठे ने
बखेल हो लिया है, तो मैं क्लीन करती हूँ पहले, फिर आपको पूरा लुक दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है यहाँ गणेश जी, लक्ष्मी जी, और बीच में ये प्लांटर मैंने खुद बनाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मेरी पिछली डाइनिंग टेबल वाली वीडियो देख सकते हैं। और ये मैंने सलवार के नाड़े से बनाया है, तो बहुत प्यारा लुक आ रहा है। और मैं कम से कम ऐसे 4-5 बनाने वाली हूँ, जितने मेरे हनी की बॉटल है मेरे पास। और ये इतना बढ़िया लग रहा है, इसको जब चाहे आप पोज दीजिए और परमानेंट आपका टेबल हो जाएगा। अगर आपके पास आप रेंटेड हाउस पे रहते हैं और आपके पास कोई छोटा भी ट्रंक है, बड़ा ट्रंक का साइज मैटर नहीं करता, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। अगर छोटा ट्रंक है, आप छोटे साइज का ये ग्लास कटवा सकते हैं, शॉप में काट के 200 तक दे देंगे आपको, 250 तक, और एकदम परमानेंट आपका टेबल हो जाएगा। कपड़ा जो है आप वेलवेट या थोड़ा शाइनी चूज करिएगा, या फिर जो फुट मैट होता है वेलवेट के आजकल चले हैं, वो नया खरीद के आप इस पर लगा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जितना बड़ा बक्सा है आपका, ऊपर की चौड़ाई लंबाई, उतना बड़ा आपका कपड़ा होना चाहिए। और कैमरे में नहीं आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ, इतना प्यारा ये लग रहा है। मैं ऐसे टॉप से आपको एक बार दिखाती हूँ कैमरा, एकदम पोज में जाके, बहुत सिंपल सा डिसेंट सा लुक आ रहा है। एकदम पता नहीं क्यों कलर नहीं ले रहा है ये ब्लू वाला शीशे की वजह से, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये कुछ आइडियाज थे, आप अपने घर में कोई भी आपके पास बॉक्स ट्रंक है तो यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास गत्ता है, कार्टून है, तो भी आप उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आप ये वुडन पेपर नहीं लगा सकते तो आप कोई भी पेंट दुकान से खरीद के ऑयल पेंट ले आइए, पेंट करके और उस पर शीशा लगा दीजिए, आपका पुराना बेकार सा ट्रंक एकदम नया हो जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और थोड़ा बहुत आइडिया अगर मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।